Good morning, students. Dr. Anupama Sharma here. And today I will discuss the fourth chapter of history, tribal Bhikkhu and the vision of golden age. In this chapter, I will discuss how did the tribal group live. Some were jhum cultivators, some were hunters and gatherers, some herded animals. Some took to settled cultivation. How did colonial rule affect tribal lives? What happened to tribal chiefs, forest laws and their impact? Okay, students. Now, I will start from here. How did the tribal group live? Firstly, I want to tell you what is tribe. I want to explain you what is tribal, who are the tribal, who are the tribal people. Tribal word. What is the meaning of tribal word? Beta, tribal people means the people who lived in the remote places like forest, valleys, hilly regions. ऐसी प्लेसेस जहां पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है. दे लिव इन द डेंस फॉरेस्ट, हिली रीजन्स, वैलीज. ओके चिल्ड्रन, दे आर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट वर्ल्ड. दूसरे एंटायर वर्ल्ड से ये कट ऑफ होते, ये मिक्स नहीं होते. ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ये जंगलों में रहते हैं. एक वर्ड आपको शॉवर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स. दिस इज ट्राइब, द वर्ड ट्राइब. ओके बेटा, वो लोग जो कि दुर्गम स्थानों पे रहते हैं, रिमोट प्लेसेस पे रहते हैं, जहां नॉर्मल पीपल का पहुंचना मुश्किल है, लाइक हिली रीजन्स, डेंस फॉरेस्ट, वैलीज, ऐसी जगह. और ये दूसरे वर्ल्ड से कट ऑफ होते, ये दूसरे में मिक्स नहीं होते, ये दूसरे में मिक्स नहीं होते. इनकी अपनी कल्चर होती है, इनका अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं. ये अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं, ये दूसरी सोसाइटीज में मिक्सअप नहीं होते. ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइब. जनजाति, हिंदी में कहते हैं जनजाति, आदिवासी. आदिवासी वर्ड से आप फेमिलियर होंगे. आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, जंगल मीन्स रिमोट प्लेसेस, जो एंटायर वर्ड से कट ऑफ है, दूसरे में मिक्स नहीं होते. दीस पीपल आर नॉट ट्राइब. How did the tribal groups live? मैंने आपको बता दिया, I told you about the tribes, I explained the meaning of word tribe. Now, how did the tribal groups live? Some were jhum cultivators. Now, what is the meaning of word jhum? Cultivators. Okay? Yes, beta. Jhum cultivators means ये लोग एक स्पेशल तरीके से कल्टीवेशन करते हैं लैंड का, दैट इज कॉल्ड झूम कल्टीवेशन. सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. झूम कल्टीवेशन को बेटे अदर नेम से भी बोलते हैं, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. दिस वॉज डन ऑन स्मार्ट पैच ऑफ लैंड, मोस्टली इन फॉरेस्ट. द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टूप्स ऑफ द allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. But a piece of land jungle में clear कर देते हैं, काट देते हैं, जिससे कि sunlight पहुंचे, क्योंकि dense होते हैं forest. Forest में जो ground होता है, land तक sunlight नहीं पहुंच पाती, तो piece of land को clear कर देते हैं, साफ कर देते हैं और वहां पर cultivation करते हैं. Clear students? वहां पर अपना जो भी उनको क्रॉप करनी है, फसल उगानी है, वो उगाते. आफ्टर फ्यू पीरियड उसको छोड़ देते और दूसरा भी इस तरीके से एक पीस ऑफ लैंड क्लियर करते हैं, जिससे कि सनलाइट आ सके, और फिर वहां कल्टीवेशन करते हैं, फिर उसको भी छोड़ देते. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इसीलिए इसको बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला है. ठीक है बेटा. दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, that is scratched the seed on the field instead of plunging the land to
प्लज नहीं करते, जो कहेंगे फेंक दिए सीड और उग गए। ओके बेटा, इंस्टेड ऑफ प्लजिंग द लैंड एंड सोइंग द सीड, वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू द अनादर फील्ड। ए फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फेलो फॉर सेवरल ईयर्स। एक बार जिसको कल्टिवेट किया उसको छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा दूसरे पीस ऑफ लैंड को कल्टिवेट कर। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ओके बेटा, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोला है। एक जगह से किया, शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सम वर हंटर एंड गैदरर्स। कुछ लोग हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। किसकी गैदरिंग करते हैं? फूड प्रोडक्ट्स की, जो कि फॉरेस्ट में मिलते हैं। क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं बेटा, इनका जो प्लेस है दैट इज फॉरेस्ट ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स? दे लिव इन द फॉरेस्ट और वहीं से ये हंटिंग और गैदरिंग करते हैं फ्रूट्स की। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंटिंग एंड दे डिवाइड द मीट अमंग देमसेल्स। दे एट फ्रूट रूट्स कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। क्लियर स्टूडेंट? साल और महुआ के सीड्स से ये फूड कुक करते हैं एंड जो भी कल्टिवेशन होता है उसको तो यूज करते हैं, साथ में हंटिंग एंड गैदरिंग, जो भी हंटिंग ये करते हैं एनिमल्स की, उसके मीट को भी ये खुद जो है आपस में डिवाइड कर लेते हैं। आपस में डिवाइड करने से ये लोग जो है बेटा उसको मिल बांट करके खाते हैं। स्टूडेंट्स ओके, दे यूज मैनी फॉरेस्ट हर्ब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट। हर्ब्स और शर्ब्स कलेक्ट करते और उसको लोकल मार्केट में सोल कर देते। सर्कम टू द सेटल्ड कल्टिवेशन। अब हंटिंग जो कल्टिवेशन की बात कुछ लोगों ने बेटा सेटल्ड कल्टिवेशन, सेटल्ड कल्टिवेशन मीन्स एक ही जो लैंड का पीस है उस पर कल्टिवेट भी करना शुरू कर दिया। हंटिंग और गैदरिंग कर ही रहे हैं, सेटल्ड कल्टिवेशन शुरू कर दिया। एट ए टाइम दे एक्सट्रैक्ट एक्सचेंज गुड्स एंड गेटिंग व्हाट दे नीड इन रिटर्न एंड देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब वो जो फॉरेस्ट से जो भी वो कलेक्ट कर रहे हैं उसको बेटा वो वापस मार्केट में ले जाते हैं। जब जो है बेटा एक्सचेंज मेथड है, आप अपने प्रोडक्ट दीजिए उनके लीजिए और अपने जो भी यूज की चीजें ये उससे एक्सचेंज करके वो ले लेते थे एंड अपनी लाइफ को इजी बना लेते थे, अपनी लाइफ की जो भी इनको नीड्स थी नेसेसिटीज थी उनको फुलफिल करते थे। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, बेगॉज सॉ देमसेल्व्स एज द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। बेगॉज इज ए ट्राइब हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट। इट वॉज ब्लो द डिग्निटी ऑफ ए बेगर टू बिकम ए लेबरर। मतलब वो लेबरर नहीं बनना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स थे उन पर डिपेंडेंट थे, हंटिंग एंड गैदरिंग पर डिपेंडेंट थे। दे डोंट वॉन्ट टू बी द लेबरर, वो उनकी डिग्निटी उनकी उनको पसंद नहीं था, डिग्निटी के अगेंस्ट था। ओके, सम हर्टेड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स को भी हर्ट करते थे, एनिमल्स को भी पालते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्टिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। द वन गुजर ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। द गद्दीज ऑफ कुल्लू एंड शेफर्ड्स एंड द बेकवास ऑफ काश्मीर रियर्ड गोट्स। क्लियर? गोट्स, शीप्स, काउस, बफेलोस, ये बेटा ये जो थे इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे इनके लिए, जिसकी ये हंटिंग जिनको किए पालते थे। ओके बेटा, सम टुक टू ए सेटल्ड कल्टिवेशन। अब कुछ सेटल्ड कल्टिवेशन की तरफ भी मूव करने लगे। सेटल्ड कल्टिवेशन मीन्स एक जगह रुक करके कल्टिवेशन ये करने लगे। ओके, दे बिगेन टू यूज द प्लज एंड ग्रेजुअली गॉट राइट ओवर द लैंड दे लिव ऑन। और प्लजिंग करने लगे और जिस लैंड
सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगे, उसका राइट भी इनको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मिल गया कि ये लैंड इनका है, ये ही उसको जो है प्लज करेंगे, यही उसको जोत सकते, यही उस पर खेती कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, संतुलना सेटल कल्टीवेशन ब्रिटिशर्स ने इनको राइट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि अगर ये एक जगह रहेंगे तो इट इज इजी फॉर देम टू कलेक्ट द रेवेन्यू, इनके लिए इजी होगा उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना। हर पीस ऑफ लैंड का वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे भाई, कोई भी पीस ऑफ लैंड कोई भी कल्टीवेट कर रहा है तो ही एंड शी हैड टू गिव रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स, उनको ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देना होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम जू कल्टीवेशन मत करो, हम तुम्हें लैंड दे रहे हैं, वी आर गिविंग टू द लैंड, और आप इस लैंड पर रहिए, एक परमानेंट आपकी लैंड है, यू हैव टू कल्टीवेट ऑन दिस लैंड। इससे ब्रिटिशर्स का भी फायदा था, सिर्फ उनका नहीं था। ओके, इट्स अ प्रॉफिट फॉर ब्रिटिशर्स ऑल्सो, इट वॉज अ प्रॉफिट। ओके, ब्रिटिशर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल था, नॉट ओनली फॉर द ट्राइबल पीपल। ओके स्टूडेंट्स, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ, ट्राइबल लाइफ को बेटा कॉलोनियल रूल ने कैसे अफेक्ट किया, कैसे जो है ट्राइबल लाइफ अफेक्ट हुई। नंबर वन, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल पीपल वर अफेक्टेड, फंक्शंस अफेक्ट हो गए, पावर्स अफेक्ट हो गए। भाई इनका तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से सेटल्ड कल्टीवेशन की ओर मूव करने लग गए। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग उनका खत्म हो गया। ठीक है, ये गैदरिंग और हंटिंग खत्म हो गया, अब वो कहां पर सेटल हो गए, सेटल्ड कल्टीवेशन की ओर मूव कर गए कि अब उनको जो है कल्टीवेशन करना है बट सेटल करना है, नॉट दिस जूम कल्टीवेशन उनको नहीं करना है, बिकॉज दे ब्रिटिशर्स वॉन्टेड रेवेन्यू फ्रॉम दीज पीपल, इनसे ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू चाहिए था, इसीलिए इन्होंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? हंटिंग गैदरिंग फूड, हंटिंग इसको भी बंद किया। ठीक है, लॉज बना दिए अगेंस्ट द फॉरेस्ट। ओके, व्हाट हैपेंड टू द शिप, व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ, ट्राइबल चीफ की पावर्स उन्होंने लिमिटेड कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो laws made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. Clear students? British rules में tribals की जो chief इनकी power को limited कर दिया, इनको आप rule करेंगे but on the behalf of Britishers, और आपको सारे British laws को मानना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सारे ब्रिटिश लॉस को मानना होगा और साथ में ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद होगा, सेटल कल्टीवेशन शुरू होगा एंड और जो है बेटा इनको रेवेन्यू पे करना होगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ट्रिब्यूट करना होगा, सम्मान देना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अंडर द आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, आई एम रीडिंग अगेन, the British rule, the functions and the powers of the tribal chief changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. Behalf of the British, उनको rule करना होगा, वो अब अपना independent rule नहीं कर सकते। What happened to the shifting cultivation? Shifting cultivation was turned into the settled cultivation. Okay, students? What happened to the shifting cultivation? Shifting cultivation was turned to the settled cultivation. भाई आप नहीं करेंगे, ऐसे forest को नहीं काटेंगे, ऐसे काटने से forest खराब हो जाता है। Forests are not
योर प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि अब ये ब्रिटिश रूल को मान रहे हैं, क्लियर। और जब ब्रिटिश रूल को मान रहे हैं तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन। हाउ डिड द ब्रिटिश ग्रुप लिव, हाउ डिड द टाइगर ग्रुप लिव, संबंध जूम कल्टीवेटर्स। जूम कल्टीवेशन क्या है, व्हाट इज जूम कल्टीवेशन? जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक पेज ऑफ लैंड को क्लियर करना और सीड ब्रॉडकास्ट करना। जब सीड्स उग जाते हैं उसके बाद दे कट देयर क्रॉप्स, यूज कर देना एंड दे लेफ्ट दैट पीस ऑफ लैंड एंड दे क्लियर द अनदर पैच ऑफ लैंड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सम हर्ड एनिमल्स, कुछ लोग हर्ड एनिमल हर्डिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग फूड करते थे, शर्ब्स एंड हर्ब्स को कलेक्ट करके दूसरे लोगों में विलेजर्स में बेच देते थे और उसी से अपनी लाइवलीहुड चलाते, ठीक है। सेटल्ड कल्टीवेशन दे स्टार्टेड, सेटल्ड कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट कर लिया, एक निश्चित जगह एक परमानेंट पीस ऑफ लैंड को वो कल्टीवेट करने लगे और इससे ब्रिटिशर्स को भी रेवेन्यू जाने लगा। नाउ हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ब्रिटिश ट्राइबल लाइफ, व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ? ट्राइबल चीफ ने अपनी पावर जो है बेटा उसको खो दिया था, वो ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर रूल करते थे, उनके पास अपनी लैंड तो थी, उसको वो कल्टीवेट तो कर सकते थे, उसको वो रेंट पे भी कर सकते थे, बट ब्रिटिशर्स ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर में उनको वहां के सारे लॉज मानने थे, उनको ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट करना था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मानना था, ब्रिटिश लॉ को मानना। ओके स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, गुड डे।